हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो इस तरह से फर्स्ट कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यहां पर आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसका कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां देखिए जो रेजिस्टेंस यहां पर जोड़े गए हैं वो सारे सीरीज में है, क्योंकि एक के जस्ट बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कहीं भी ब्रांच नहीं है। ब्रांच नहीं है तो सारे सीरीज में है, और सीरीज में अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें जो फॉर्मूला लगता है वो है सॉल्यूशन में, देखिए रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कनेक्शन। अब रेजिस्टेंस सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5 रेजिस्टेंसेस लगाए, 3 तो R4 और एक R5। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया कि ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, R3, R4 और ये R5 है, और सारे रख दो इसमें। तो इस जगह R1 4 ओम प्लस R2 2 ओम प्लस R3 3 ओम, R4 4 ओम एंड R5 जो है 6 ओम। ठीक, और सबको प्लस कर दीजिए तो 4 और 2 6 7 8 8 और 4 12 12 और 6 18 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया गया। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सर्किट का निकालना है। तो यहाँ देखिए आपके पास ये जो रेजिस्टेंसेस हैं वो किस में, पैरेलल में, क्योंकि एक लाइन ये जा रही है और फिर यहाँ से तीन अलग अलग लाइन बट जा रही है। तो यहाँ पर जबकि ब्रांचेस निकल जा रही हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है किस में लगाए गए, पैरेलल में। ठीक है, और पैरेलल रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला लगता है वो है सॉल्यूशन में। देखिए अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हमारे रेजिस्टेंसेस है, ये हमारा R1, ठीक है, ये हमारा R1 दैट्स R2 और ये हमारा R3 रेजिस्टेंसेस, 2, 4 और 6। ठीक है, तो इसमें रख दें 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, पहला रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 प्लस 1/ सेकेंड रेजिस्टेंस जो है 4 और थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम का है, 1/6। ठीक, अब इसका इसका और इसका एलसीएम लेते हैं हम। तो देखिए 4, 6 और 2 इसका एलसीएम आ गया 12, 2 से 12 6 टाइम, तो 6 1 जा 6 प्लस 4 से 12 गया 3 टाइम, 3 1 जा 3 और 6 से ये गया 2 टाइम्स 2 1 जा 2, मींस ये देखिए 6, 3 और 2 कितना आ गया 11/12 और यहाँ इस तरफ चल रहा है 1/R इन पैरेलल। ठीक, और इसे देखें तो हम लिख सकते हैं 12, पहले तो ये कि इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी नीचे RP है इसको ऊपर कर दीजिए, ये भी पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RP ऊपर RP और नीचे 1 आ जाएगा, लिखना जरूरी नहीं है इसीलिए ऊपर लिख दिया 12 और नीचे आ गया 11। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 1.09 ओम। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो यही हमारा आंसर है।